अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, तीन स्टॉक की खासतौर पर बात करते हैं और सबसे पहले जरा पेटीएम की बात करते हैं। आज 8% ऊपर नजर आता, माफ कीजिएगा, आज तेजी जो है वो इसमें साफ तौर पर 1.5% से ऊपर की नजर आती हुई। इसके अलावा दो स्टॉक की जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं वो है, एक तो HAL। हम देख रहे हैं कि 5600 के बाद से जिस तरह का यहाँ पर एक करेक्शन नज़र आया है, आज भी लगभग 1.25% की गिरावट हम देख रहे हैं, दबाव साफ तौर पर देख रहे हैं। 1.5% पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक टूट चुका है, HAL की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ITC पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में 5.5% का रिटर्न इसने दिया है, पिछले दिनों बेहतरीन मोमेंटम था, आज हालांकि फ्लैट है। क्या राय बन रही है इन तीनों स्टॉक पे, पेटीएम, HAL और इसके साथ ही ITC? अमित जी, सबसे पहले पेटीएम के ऊपर बात करते हैं। पेटीएम में हम देखे यहाँ से काउंटर में पिछले 3-4 दिन में अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ एक अप ट्रेंड आते हुए देखने मिल रहे हैं। अभी अपसाइड में हम देखे यहाँ से तो जो फॉल हमें देखने मिला था फेब्रुअरी के मंथ में, उसके बाद से काउंटर कंटिन्यू से एक डाउन ट्रेंड में चलते हुए देखने मिल रहा था। अभी अपसाइड में जो गैप का रेजिस्टेंस बनते हुए देखने मिल रहा है वो 490 का, 490 के ऊपर जब भी ये काउंटर निकलेगा उसके बाद थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी हमें देखने मिल सकती है काउंटर में। तो मैं कहूँगा 490 के लेवल के लिए काउंटर में वेट करना है। करंटली हम देखें तो जो मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है वो यहाँ से हम देख रहे थे, तो यहाँ से वीकली चार्ट में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की यहाँ से ब्रेकआउट बनते हुए देखने मिल रहे हैं, जिसकी यहाँ से मोमेंटम देखने मिल रही है। ये जो पैटर्न का यहाँ से कंप्लीशन होते हुए देखने मिल रहे हैं वो 490 पे होते हुए देखने मिल रहे हैं। सो मैं कहूंगा अगर मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से पिक करना है तो यहाँ से 15-20 पॉइंट के मोमेंटम के लिए लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर मिड टर्म व्यू के हिसाब से बाइंग करनी है तो मैं कहूंगा 490 के ऊपर यहाँ से मोमेंटम स्ट्रॉन्ग फ्रंट पे देखने मिलेगा। सेकंड जो काउंटर है वो HAL है। HAL के ऊपर भी मैं यही कहूंगा जैसे मैंने रेलवे काउंटर्स के लिए कहा, HAL में भी हम देख रहे हैं यहाँ से एक डिफेंस पैक है, डिफेंस पैक में भी हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली नए ऑर्डर्स आते हुए देखने मिल रहे हैं और कंटिन्यूसली एक अपट्रेंड में चलते हुए देखने मिल रहा है। HAL हम देखे यहाँ से पिछले थोड़े दिन से यहाँ से कंसोलिडेशन फ्रंट में चलते हुए देखने मिल रहे हैं और अपसाइड में 2 दिन से थोड़ा बहुत प्रेशर बनते हुए देखने मिल रहा है, बट डाउन साइड में जो सपोर्ट बना हुआ है काउंटर का यहाँ से हम देखे तो 50-50 का है। जब तक ये काउंटर 50-50 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है तब तक यहाँ से ट्रेंड HAL की पॉजिटिव ही रहेगी। मैं कहूंगा यहाँ से हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। काउंटर में 5300 के आसपास आ रहे हैं तो लॉन्ग की पोजीशन HAL में क्रिएट कर सकते हैं। तो तीसरा काउंटर है वो ITC। ITC के लिए हम देखें यहाँ से तो FMCG पैक में जैसे हम देख रहे हैं तो पिछले थोड़े दिन से अच्छी खासी मोमेंटम बनी हुई है। पिछले 5-6 दिन से हम देख रहे तो ITC ने एक अच्छा खासा मोमेंटम भी पिक किया है, जो एवरेजेज है 50, 100, 200 सब के ऊपर यहाँ से ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं। आज के दिन में हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत अपसाइड के लेवल से प्रेशर देखने मिला था जैसे ओपन हुआ, बट यहाँ से वापस से डाउन साइड में हम देखे 445 के लेवल से वापस एक बाइंग अच्छी खासी जनरेट होते हुए देखने मिले। जैसे ये काउंटर 454 के ऊपर निकल रहा है वैसे फ्रेश बाइंग इनिशिएट होते हुए देखने मिलेगी। सो मैं कहूंगा कि अलर्ट लगाना चाहिए 454 के ऊपर, जैसे ITC निकल रहे हैं लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं काउंटर में अपसाइड में 475-480 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है इन स्टॉक पर एक विस्तृत नजरिया आता हुआ अमित जी की तरफ से। बढ़ते हैं